कोलकाता की सरकारी आरजी अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी हर तरफ जारी है। इस बीच आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की आधी रात को हुई तोड़फोड़ और हिंसा की घटना के बाद अस्पताल के 10 डॉक्टरों और 190 नर्सों स्टाफ का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा बंगाल सरकार ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य अस्पतालों के कई डॉक्टर के भी तबादले कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को इन सभी का तबादला आदेश जारी किया गया, जबकि आरोप है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ जारी डॉक्टरों के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भाषण ने दावा किया कि आरजी अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की भयावह घटना को लेकर जिन डॉक्टरों ने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उन सभी का तबादला कर दिया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा बताया। पूनावाला ने दिल्ली एम्स के डॉक्टर से एक पोस्ट भी एक्स पर साझा किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कहा गया कि जिन डॉक्टरों ने घटना के खिलाफ आवाज उठाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि टीएमसी का मतलब है तानाशाही। बंगाल के आरजी कर अस्पताल के सामूहिक बलात्कारियों पर नकेल कसने के बजाय ममता सरकार न्याय के लिए संघर्ष करने वालों पर नकेल कसने पर जुली है। ममता बनर्जी एक असली तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही हैं। इस पर इंदिरा गांधी या फिर किंग जॉन या स्टालिन को गर्व होगा। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और पार्टी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा इस तबादले को लेकर राज्य सरकार को घेर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 16 अगस्त को बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तबादलों के आदेशों को 8 पेज लंबी सूची जारी की जिससे पहले से ही अराजक स्थिति पर वे भिड़ गए हैं। मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी के निशाने पर कोलकाता मेडिकल कॉलेज और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज है। ये दोनों ही उनके फांसीवादी शासन के खिलाफ विरोध के केंद्र हैं। अब तक इन दो प्रतिष्ठान संस्थानों के 5 प्रोफेसरों को सिलीगुड़ी, तमलुक, झाड़ग्राम आदि के मेडिकल कॉलेजों में स्थान नियंत्रित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सक समुदाय को डराकर अपने अधीन करना ये हताश प्रयास है। ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं? दरअसल 14 और 15 अगस्त की रात को करीब 40 लोगों के एक समूह ने आरजीगर अस्पताल में परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और तांडव मचा दिया। इस घटना के बाद से अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ भी सुरक्षा की मांग पर हड़ताल करने लगे और प्रिंसिपल के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाया था कि वहीं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर पहले से ही पिछले कई दिनों से काम बंद कर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।